इंचेस का लॉट डलाने का क्या कारण है? ऑटोमेटिक है, सीट के नीचे हीटर है इसके। 20 इंचेस अलॉय। देखो साउंड सिस्टम सुन के देखो। मित्सुबिशी की 2010 मॉडल आउटलैंडर पर ओनरशिप रिव्यू देने वाला हूँ आपको। 2010 मॉडल, इतनी पुरानी गाड़ी कंडीशन में रखी हुई है। ये देखो इसके ब्यूटी, बिल्कुल ब्यूटीफुल लग रही है, एकदम लाजवाब, आई कैप्चर। जो भी बंदा जा रहा है ना ऐसे रोड पे से, कोई भी बंदा जा रहा है भाई साहब, नजर हट नहीं रही है। इस गाड़ी का पूरा एक ओनरशिप रिव्यू देने वाला हूँ आपको। 2010 मॉडल से अभी तक भैया ने स्टॉक कंडीशन में किस तरीके से जेन्युइनली रखी हुई है और इसको यूज कर रहे हैं। फ्रंट से कितनी धांसू सी, एकदम यार लाजवाब सी, मस्त सी लगती है। लुक्स देखो यार, बिल्कुल आई कैप्चर्ड वाले, बहुत ही ज्यादा यूनिक और बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल सेटअप फ्रंट का कुछ इस तरीके का है। और जिसकी लाइट्स है वो बड़ी एग्रेसिव यार वाली, बिल्कुल लाजवाब। नीचे फोग लाइट्स भी मिल जाती है इसमें आपको देखने के लिए। और भाई साहब यूपी 78 HSRP नंबर प्लेट, ऊपर देखो मित्सुबिशी का लोगो। ग्रिल कितनी बड़ी बड़ी वाली, 2010 मॉडल में इतनी ज़्यादा फीचर लोडेड और इतनी ज़्यादा यार क्लासी गाड़ी वाली क्लासी आती थी मित्सुबिशी की गाड़ियाँ। और यहाँ पे इस तरीके का भाई साहब, मुझे कमेंट सेक्शन में जाके जरूर बताना गाड़ी आपको कैसे लगी। प्रोफाइल देख रहे हो आप, क्या लग रही है? साइड से इस तरीके के जलवे आते हैं गाड़ी के। 20 इंचेस अलॉय, गाड़ी को चार चांद लगा रहे, शानदार बना रहे हैं यार। 20 इंचेस अलॉय आउटलैंडर में, क्या यूनिक यार, अलग ही धांसू लुक आ रहा है गाड़ी का। टेल लाइट का डिजाइन देखो, मतलब 2010 में, यानी कि यहाँ से आई थिंक अब 15 साल पीछे की बात करूँगा, 14-15 साल पहले यार इस तरीके की यूनिक डिजाइन वाली लाइट्स मिलती थी। अब तो शुभ इतनी अच्छी अच्छी गाड़ियाँ बनाता था, अब तो खैर नहीं है मार्केट में। चार पार्किंग सेंसर है, एक दो, एक वोरा ऊपर, तीन और एक वोरा, चार, चार चार पार्किंग सेंसर। कुछ फीचर्स मैं आपको दिखाना चाहूँगा, अंदर देखो यार, इतने पुराने मॉडल की गाड़ी में इतनी सारी चीज़ें मैं आपको दिखाने वाला हूँ। ये देख रहे हो, ग्लास होल्डर आपको यहीं देखने के लिए मिल जाता था। पूरे स्विचेस, कंट्रोल्स, ORBM के कंट्रोल्स भी यहाँ पे दे रखे हैं भाई साहब, इससे आप कंट्रोल कर सकते हो इलेक्ट्रिकली, ठीक है, एडजस्टेबल कर सकते हो। अंदर का पूरा माहौल गाड़ी का ये देखो किस तरीके का है। इसका जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है ना, लॉक में मिलता था इसका पूरा का पूरा इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, ये देख रहे हो सारी चीजें इस पे आपको दिखा रहा है। मतलब सारे जो आजकल के टॉप मॉडल गाड़ियों में यार फीचर्स देखने के लिए मिल रहे हैं, इसमें वो सारे फीचर्स यहाँ पे देखने के लिए मिल रहे हैं आपको। गाड़ी अभी फिलहाल इतनी चली हुई है, ठीक है, यहाँ पे न्यूट्रल में है गाड़ी, ऑटोमेटिक है ये वाला वेरिएंट जिसमें मैं बैठा हूँ भाई साहब। सारी चीजें आप देख लो यहाँ पे, आपका फ्यूल का, यहाँ पे टेम्परेचर का, सारे गेज यहाँ पे आपको दिखा रहा है। और ये है हमारा टैकोमीटर, ठीक है, RPM कह सकते हैं आप इसे। और ये है हमारा यहाँ पे स्पीडोमीटर। एनालॉग में डिजाइनिंग दी गई है। ये पूरा डैशबोर्ड का व्यू हमारा इस तरीके का अंदर का निकल के आता है भाई साहब। इसमें AC देखो, मैं AC दिखाना चाहूंगा आपको, ऑटोमेटिक AC इसमें। इतने पुराने मॉडल की गाड़ी में ऑटोमेटिक AC मिलता था, एक दो, ये तीन और ये चार और ये पांच, भाई साहब मतलब इतने आगे ही वेंट दिए गए हैं। लुक देखो भाई गाड़ी का, क्या है यार, बीच में भाई साहब आर्मरेस्ट देख रहे हो, हेडरेस्ट एडजस्टेबल, एक ये रहा यहाँ पे हेडरेस्ट एडजस्टेबल, यहाँ का भी हटा रखा है, ये एडजस्टेबल हेडरेस्ट विद आर्मरेस्ट। तो भाई साहब ये था अंदर का लुक इस हमारी 20 इंचेस वाली अलॉय वाली गाड़ी में मित्सुबिशी के आउटलैंडर। अब बात आती है इसके ओनर की, मैं इसके ओनर से और मिलाना चाहूंगा आपको। ये हमारे भैया, हेलो भैया कैसे हैं आप, हमारे व्यूअर्स को हाय बोल दीजिए। तो भैया अपनी गाड़ी के बारे में ना आप हमें कुछ बताइए, इतनी पुरानी जो आपने 2010 मॉडल की गाड़ी अभी तक रखी हुई है, जिसका लॉट डलाने का क्या कारण है? अच्छा, शुरू से भैया ये गाड़ी कब से आपके पास? छः महीने से। अलॉय आपने डलवाए थे? हाँ, अलॉय पर एवरेज कम है, तो बहुत बढ़िया है। एवरेज की कमी है? हाँ। जैसे कि कितना देती है? 5 का एवरेज। बाकी ऑटोमेटिक है, क्रूज कंट्रोल है, कंपनी ने रॉकफोर्ड का सिस्टम दिया हुआ है कि बेस सिस्टम लगवाने की जरूरत नहीं। क्या बात कर रहे हो भैया, मैंने इसमें कोई सिस्टम नहीं लगवाया कंपनी के। भाई साहब देखो मैं बता देता हूँ, भैया का फोर सेल का काम है साहिबाबाद लाजपत नगर में। अगर आपको भी कोई गाड़ी चाहिए होगी भैया से, भैया का मैं नंबर डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। और वैसे ये वाली गाड़ी आपको कैसे लगी मुझे कमेंट सेक्शन में जाके जरूर बताना। और इस गाड़ी के जो फीचर्स हैं वो मैं भैया से बता दूं, भैया फीचर्स वन बाय वन करके बताइए आप। फोर बाय फोर का ऑप्शन, ऑटोमेटिक है, सीट के नीचे हीटर है इसके, सीट्स भी वेंटिलेट, साउंड सिस्टम सुन के देखो।
ऑटोमेटिक सीटें जैसे मैंने आपको मिलाती है, रॉक फोर्ड के इसमें म्यूजिक सिस्टम है, रॉक फोर्ड के इसमें स्पीकर्स लग रहे हैं, 4x4 है, पैनारोमिक सनरूफ का भाई साहब ऑप्शन, और अगर इसमें आ जाता तो लाजवाब वाली बात हो जाती है। एक चीज बताऊं भाई साहब, इसमें सीट्स वेंटिलेटेड सीट्स, भैया ने बताया वेंटिलेटेड सीट्स मिलती है यार इस गाड़ी में। तो भाई खुद सोचो 2010 मॉडल, अगर यार मित्सुबिशी की गाड़ी और भी आती है ना, तो मैं तो अभी लेना चाहूंगा। अगर अभी कोई लॉन्च कर देना मित्सुबिशी कोई गाड़ी अपनी, मैं सबसे पहले उस पर लेना चाहूंगा। भाई मित्सुबिशी ने दिल जीत लिया, आउटलैंडर है। किसी को वीडियो अच्छी लगी और भैया से जिसको भी गाड़ी खरीदनी हो, मैं इनका नंबर डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन में आप चेक करना, आपको नंबर मिल जाएगा।